illustrious leading ladies in Selfiee. Welcome to the trailer launch. All right, come, come, come. Namaskar and hello from everyone. Very nice, Akshay, that you're here. You wore my clothes and came. I love it. I'm very excited. You're really in the pink of health today. How does it feel? I've always been. Yes. I've always been. So tell me, Akshay, how was the experience for you? Well, it's a very, very different kind of a story. Different. I've never played like an actor in a film. And it's been a great experience working with this man here. Wonderful man, wonderful actor. And the first time I worked with him. Quite surprised. No. Why are you surprised? No, I thought he was like pointing at me. Man. He just skipped to me and went straight on. Emraan, I think जैसे अक्षय ने कहा कि आजकल वो जो एक लैंग्वेज बदल चुकी है जो ऑटोग्राफ हुआ करता था 15 साल पहले वो अभी सेल्फी में बदल चुका है आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट उनका प्यार वो अभी एक तरह से आइडेंटिटी भी हो गया ना कि वो सब सोशल मीडिया पे है वो एक तरह से वैलिडेशन भी चाहते हैं अपने स्टार्स के जब मिलते हैं तो उनको एक सेल्फी चाहिए वो एक्साइटमेंट कभी कभार यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर आई थिंक लेकिन जो सबसे ट्रिक अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा लम्हा जो शायद बहुत ट्रिकी हो गया था आई थिंक सबसे ट्रिकी फैन वो है जिसको पता नहीं होता है कि उसके कैमरे का ऐप कहाँ है फ़ोन में जब आप गॉड फॉरबिड कहीं फ्लाइट या कुछ पकड़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैमरे का ऐप कहाँ है और जब वो ढूंढ रहा है ऐप फ़ोन पे तो वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है जल्दी में वो टाइमर फिर वो टाइमर वाले भी होते हैं वो टाइमर फिर वही फैन जब सेल्फी लेता है तो उसको अपने एंगल से प्रॉब्लम होता है फिर आपको वहाँ पे और एक मिनट बिताना पड़ता है फिर उसके बाद जब वो खींचता है तो ब्लर आता है स्नैप तब तक आपकी फ्लाइट निकल गई होती है